गोटे गाँवें बाला और हरिनामक दुईज भाई रोते बाला बहुत धनी थिला, किंतु हरिपाखे एत पैसा नथिला। से सहर रे गोटे छोट ढाबा चलाउथिला, किंतु तार ढाबा एते भी भल चलु नथिला। किंतु तार गोटे भल अभ्यास एहा थिला जे से सबु भोकिला गरीब मानंकु मागणारे खाइबाकु दउथिला। हरिर स्त्रीर नाम थिला मधु ओ तार एक झियो थिला, ता ना थिला मिलु। गोटे समयर कथा, जेतेबेले ताकु मिलुर नाम भल स्कूलले लेखाइबार थिला, सेतेबेले ताकु पैसार आवश्यकता थिला। तापरे से बाला पाखकु गला। हरि एस एस कह कौन हैला? बाला मते मिलुर नाम भल स्कूल रे लेखेबार अछि, मते पैसार आवश्यकता अछि, कौन तमे मते दबो? एबे कारबार भल नाही तो पैसा देई हबनी, तू आउ को दिन मागे? ठीक अछि, मु तुम सह परे देखा हेबी। तापरे हरि सेठारु चली गला। आउ घर को जिबा परे मधु ताकु पचारिला, अरे कौन हैला, किछि पैसा मिलिला? नाही किछि कथा नाही, आमे मिलुर ना गोटे सरकारी स्कूल लेखेई दबा, वर्तमान आम पाखरे पैसा भी नाही। हरि मिलुर नाम सरकारी स्कूल लेखेई देला। हरि जेतेबेले ता ढाबारे थिला, सेतेबेले सेही बाटरे किछि साधु जाउथिले, आउ से ढाबा देखी हरिर ढाबारे रहिगले, आउ सेठारे खाइबाकु इच्छा प्रकाश कले। बहुत समय धरि चली चली भोक हेलाणी, कौन आपणंकु भी भोक हेलाणी? हाँ हाँ भोक त मते भी लागुछि, आमे तो साधु पैसा कोठु आनिबा, सहर रे आमको केही खाद्य खाइबाकु भी देबेनी। हाँ एहा तो ठीक कथा। एही कथा हरि सुनिनेला ओ सेमानंकु कहिला, साधु महाराज मु आपणकु खाद्य खाइबाकु देबी। पुओ किंतु तमकु देबा पई आम पाखरे पैसा नाही। मु आपणक ठारु पैसा रखिबी नाही, मो आर्थिक परिस्थिति भल नाही, केवल आपण भगवानक पाखरे मोर भल पई प्रार्थना करिवे। सेतेबेळकु संध्या हेलाणी, हरि पाखरे अल्प दही भात थिला, से सेही दही भात को साधु को दे देला। साधु सेही खाद्य खाई बहुत प्रसन्न हेले, आउ कहिले, पुओ तमे असुविधा रे थाई मध्य भोकिला को खाइबा को देला, एहा ठारु बड़ पुण्य आउ किछि नाही। तमरो एही व्यवहार रे आमे दुहे बहुत खुशी। मु तुमको गोटे मंत्र दउची, ए मंत्र को जपी दही भात तयारी करिवो, एहा परे जेउ दही भात हेबो ताहा कुहुक दही भात हेबो, एही सहरर प्रसिद्ध दही भात हेबो, ओ तुमे गोटे बड़ भोजनालय तयारी करिवो। आपणकर बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मने रखिवो तमे सबुदिन सहे गरीब लोकंकु दही भात खाइबा को दबो। ठीक अछि महाराज, एबे आमे जाउछु। तापरे हरि सेही मंत्र पढ़ी दही भात तयारी कला, ओ धीरे धीरे तार दही भात प्रसिद्ध हेबाकु लागिला। लोक दूर दूर रु सेही दही भात खाइबाकु आसंती। मधु आमर दही भात खाइबाकु लंबा धाड़ी लागुचि, एहा तो बहुत भल कथा, एबे तो आमको बड़ जागार आवश्यकता हबो। हरिर दही भात एते प्रसिद्ध हेगला जे ता ढाबारे एबे जागा कम पड़िला। एही कारणरु हरि भोजनालय टिए भड़ारे नेला ओ नीलुर नाम लेखा भल स्कूल कला, आ सुखरे जीवन बितेबाकु लागिला। साधुंक कहिबा मुताबक से गरीबंकु खाइबाकु देबाकु भूलि नथिला। गोटे दिन तार भाई बालाकु एही कथार खबर लागिला, ओ से ताकु देखा करिबाकु ता घर को आसिला। अरे हरि तू तो भलो घर करिचु, आ भोजनालय भी बहुत बड़ अटे, केमिति कलु एते सब? बाला एहा सब कुहुक दही भात रो कमाल। कुहुक दही भात? हां सब किछि एहार कमाल। अरे मो भाई मते भी ए कुहुक दही भात तयारी करबा सिखै दियो, जहां फल रे मु भी गोटे छोटिया ढाबा चलेई परिबी। हां एबे सिखौची। हरि बालाकु कुहुक दही भात करिबार मंत्र सिखाइला ओ कुहुक दही भात तयारी करबा सिखाइ देला, आउ ताकु कहिला सबु दिन सहे गरीब लोकंकु खाइबाकु निश्चय दबो। तापरे बाला सेठारु चली गला। मु एबे हरि थारु सस्ता दही भात बिकिबी, ओ हरि थारु बहुत धनी हेइ जिबी। ता परदिन से सहर रे एही कथा प्रचार कर देला जे ता पाखरे सस्ता दही भात मिलुछि। से गोटिए भोजनालय मध्य भडारे नेला ओ सकाळे बहुत दही भात तयारी कला, किंतु से गोटिए भी गरीब को खाइबा को देला नाही, किंतु तार भोजनालय रे बहुत भीड़ जमीबा को लागिला। इत्ते लंबा धाड़ी जदि एमिति चलिबा त मु शहर रो सबटु धनी हेइ जिबी, ओ हरि रो भोजनालय बंद हेइ जिबा। किंतु सेमिति किछि भी हेला नाही, कारण से सहे गरीब लोकंकु खाइबा को देइ नथिला, तेनु तार दही भात कुहुक न होई मामूली होइथिला, ओ सेथिरे किछि अलगा कथा भी नथिला।
ବାଲାର ଦହିଭାତ ହରିର କୁହୁକ ଦହିଭାତର ଆଖପାଖ ପରି ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ଯିଏ ବି ଏହା ଖାଉଥିଲେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିଲେ। ଏହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ବାଲାର ଦହିଭାତ ଭଲ ନୁହେଁ, ହରିର ଦହିଭାତ ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ତ ସେମିତି ହିଁ ଦହିଭାତ ତିଆରି କରିଥିଲି ଯେମିତି ହରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ଆଗ ଦିନ ହିଁ ବାଲା ହରିର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଭାବି କୁହୁକ ଦହିଭାତ ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଇଲି, ଆଉ ତମେ ମୋର ହିଁ ଭୋଜନାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାବିଲ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦହିଭାତ କୁହୁକ ଦହିଭାତ କାହିଁକି ହେଲାନି? ତମେ 100 ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏମିତି ତ କରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଦହିଭାତ କୁହୁକ ଦହିଭାତ ହେଲାନି। ଚଲ ଆସ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଭୋଜନାଳୟ ଚଲେଇବା। ତାପରେ ବାଲା ହରିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଭୋଜନାଳୟ ଚଲାଇଲେ ଓ କୁହୁକ ଦହିଭାତ ପାଇଁ ସହରର ସବୁଠୁ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି କଲେ।